काशी में स्थित दासेपुर हरहुआ ओवरब्रिज के नीचे खुशबू हॉस्पिटल में बुधवार को नई सुविधाओं का भव्य शुभारंभ स्वामी देवनायक आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुशबू हॉस्पिटल में पूर्व से जारी जच्चा के इलाज के बाद अब जच्चा बच्चा दोनों के इलाज में आधुनिक डिजिटलीकरण कर लोगों की सेवा हेतु बुधवार को समर्पित किया। डॉक्टर प्रदीप पांडे बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हॉस्पिटल में अब डिग्री धारक कुशल डॉक्टरों की टीम हर रोगों का इलाज करेंगे। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज जो डॉक्टर साहब, आज खुशबू हॉस्पिटल में जो उद्घाटन हुआ है, जो स्वामी जी आए हुए थे, फीता काट कर उन्होंने पूजन अर्चन के बाबत जो है उन्होंने फीता काटा है, इसका क्या उद्देश्य था, क्या किस उद्देश्य से जो है उद्घाटन हुआ? हर साल जो है मैं शिवरात्रि पे जो है महा रामायण का पाठ कराता हूँ, रुद्राभिषेक होता है। और इस बार जो है, जो मैं इस कोरोना काल में देखा कि गरीब लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं था, तो मैंने अपने हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में जो है मैंने डाला कि ऑपरेशन की व्यवस्था और सर्जरी की सारी सुविधाएं यहाँ पे। और हमारी टीम में मेरा बेटा जो है डॉक्टर आशीष पांडे MBBS करके DCS किया उन्होंने जो है, प्रमोद पांडे मेरे छोटे भाई जो है, बिटिया मेरी डॉक्टर खुशबू पांडे वो जो है गायनिक की हैं, दामाद जी हमारे जो है MD हैं BHU से, और एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, वो भी मेरे साथ इस टीम में सम्मिलित हैं जो है। किस चीज़ का आज ओपनिंग हुआ, क्या क्या सुविधाएं उसमें मुहैया हुई है? इसमें जनता के लिए सर्जरी की व्यवस्था है, डिलीवरी की व्यवस्था है, ऑपरेशन की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। जैसे वाराणसी जो है हॉस्पिटल के माने जाने में जो हाईटेक है यहाँ पे जो है, जी जी, तो आपकी हॉस्पिटल गरीब असहाय के लिए किस प्रकार से सुविधा मुहैया कराती है जो है? उसमें मेडिसिन में सुविधाएं हैं जी, प्लस उनके डिलीवरी में, ऑपरेशन में जो भी होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है कम सुविधा में मैं करने का। आपकी हॉस्पिटल से क्या ग्रामीण अंचल में शिविर वगैरह भी लगता है जो है? बहुत काफ़ी जगह लगता है। मैं शिविर भी कोरोना काल में भी सब जगह जो है अन्न वितरण किया, बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया, और यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये सारे हमारे भाई जो है, और बहुत अच्छा लगा। उद्घाटन के बाबत जो है, आप वाराणसी शहर और ग्रामीण से सटे हुए स्थान पे आप हैं जो है, जी जी, तो आप जनता से क्या अपील करते हैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से? जनता से मेरी यही अपील है कि सब लोग हमको सेवा का मौका दें। आज 25 साल से हम इस ले कर चल रहे हैं, और अच्छा से अच्छा हम सुविधा देने की। वही डॉक्टर एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हॉस्पिटल में सारे रोगों का इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कैलाश नाथ पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन अब आज के बाद हर तरह का जो ऑपरेशन है उसकी व्यवस्था यहां पर प्रारंभ होगी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें सुविधा साधन व्यवस्था, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। आजकल डॉक्टरी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन डॉक्टर साहब धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए जो गरीब हैं उनके लिए भी अनुकूल रहेगा। वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, P News।